आपके प्रोडक्ट बेचने से आपकी सेल बढ़ाने तक। बिग ब्लिस, बिग ब्लिस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान। मोदी सरकार का लक्ष्य भारत को एक्सपोर्टिंग नेशन बनाने की है और इस दिशा में तेजी से सफलता भी मिल रही है। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि चालू वित्त वर्ष में 7 मार्च तक देश का मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट 380 बिलियन डॉलर हो गया है। उन्हें उम्मीद है कि 31 मार्च को वित्त वर्ष के समाप्त होने पर देश का कुल मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट 410 बिलियन डॉलर पर पहुंच जाएगा। एक्सपोर्ट को मदद देने के लिए भारत सरकार फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर जोर दे रही है। कनाडा के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को दोबारा स्थापित करने की दिशा में बातचीत शुरू हुई है। इससे पहले भारत और यूएई के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ था। पीयूष गोयल ने कहा कि भारत के सर्विस एक्सपोर्ट में भी तेजी से उछाल आ रहा है। देश का सर्विस एक्सपोर्ट 240 बिलियन डॉलर तक पहुंच जाएगा। मोदी सरकार का लक्ष्य 2025 तक देश की इकोनॉमी को 5 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंचाने की है। अगर इस लक्ष्य को हासिल करना है तो इसके लिए निर्यात बहुत जरूरी है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक 5 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी के लिए देश का निर्यात 1 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंचना जरूरी है। 1000 अरब डॉलर के निर्यात लक्ष्य के लिए जरूरी है कि सरकार निर्यातकों को क्या क्या सुविधाएं देती है और किस तरह के नीतिगत फैसले लिए जाते हैं। एक्सपोर्ट को मजबूती प्रदान करने के लिए सरकार इंसेंटिव पर विशेष फोकस कर रही है। इसके अलावा ड्यूटी में भी छूट दी जा रही है। एक्सपोर्टर्स को क्रेडिट की सुविधा यानी कि सस्ती दरों पर लोन उपलब्ध करवाया जा रहा है। निर्यात का यह इंसेंटिव मॉडल चीन से अपनाया गया है जो काफी सफल रहा है। आज चीन दुनिया का सबसे बड़ा निर्यातक है। उसका ट्रेड सरप्लस सैकड़ों बिलियन डॉलर में होता है। एक्सपोर्ट में तेजी आने से फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व मजबूत होता है, रोजगार के अवसर पैदा होते हैं, सैलरी में बढ़ोतरी होती है, करंट अकाउंट डेफिसिट में गिरावट आती है। इन तमाम चीजों से इकोनॉमी को मजबूती मिलती है। भारत अब कनाडा के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर बातचीत कर रहा है। इसको लेकर मंत्री स्तरीय बातचीत हुई जिसमें पीयूष गोयल ने कहा कि इस एग्रीमेंट की मदद से रोजगार के अवसर पैदा होंगे, साथ ही अलग अलग इंटरनेशनल फोरम पर दोनों देश मिलकर काम भी करेंगे। पीयूष गोयल ने कहा कि कनाडा में भारतीय मूल के 7 लाख से ज्यादा लोग हैं। अगले कुछ सालों में इनकी संख्या 14 लाख तक पहुंचने की उम्मीद है। पीयूष गोयल ने कनाडाई मंत्री से कहा कि उन्हें इस एग्रीमेंट को लेकर थोड़ा लिबरल होने की जरूरत है। इसके अलावा उन्होंने कनाडा के उद्योगपतियों से भारत में खासकर इंफ्रास्ट्रक्चर और मैन्युफैक्चरिंग में निवेश करने की अपील की। कनाडा के मंत्री ने कहा कि भारत में निवेश की अपार संभावनाएं हैं। कनाडा की मंत्री ने कहा कि भारत में यहाँ के बिजनेसमैन ने 65 बिलियन डॉलर को भारी भरकम निवेश किया। इस दिशा में और काम किया भी जा रहा है। उन्होंने कहा कि वे भारत के साथ फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट FIPA की दिशा में भी बातचीत कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि FIPA की मदद से कनाडाई निवेशकों का भरोसा और ज्यादा मजबूत होगा। रिपोर्ट मार्केट टाइम्स TV। आपकी दुकान स्टोर में रखे सामान का पूरा खाता तैयार करने तक। बिग ब्लेस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान।